केसीआर को लगा तुम बोला, क्या आप उसका जवाब दिए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या जवाब दिए? उनके बारे में बात करें फिर आप ना राजा सिंह को जवाब देते, आप ना अरविंद को जवाब देते, ना आप मोदी को जवाब देते। आपका काम क्या है? सिर्फ जहां मुसलमान है उनको हराना है। महाराष्ट्र में मुसलमान ठहरा हुआ हरा दो, कर्नाटक में मुसलमान ठहरा हुआ हरा, बिहार को जाके हराओ, उत्तर प्रदेश को जाके हराओ, अभी वेस्ट बंगाल को जा रहे कहते। ममता बनर्जी मुस्लिम दोस्त ऐसी लीडर मुसलमानों के लिए जान तक दे दे रही, अब उनको जाके हराने के लिए जा रहे साहब। आप सोचिए ये कारनामे उनके, और मेरे को बोलते मेरी मिनिस्ट्री की फिक्र उनको ज्यादा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बार बार मिनिस्ट्री 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 कर रहे, कहीं को तुम उंगली करके रुका दिए बोल के, तुम उंगली करके रुका दिए बोल के, दूसरा नुमाइंदा नहीं होना, जाके उंगली करके उंगलियां करने की बहुत आदत है, कोई दूसरा रहनुमा नहीं है, पूरे मुसलमानों का तुम लोग ही ठेका लेके रखे हुए मेरे को बड़े तकलीफ हो रही मेरे को कि ऐसे एक हद के लीडर इस तरीके से बदतमीजी से पूरे गोदन की आवाम की बेइज्जती करके इस तरीके से बात करके गए। आज मैं आपका मतलब चुनाव नुमाइंदा हूँ, आप लोग वोट डाल के दुआएं करके जिताए, क्या आपके एमएलए की कोई ऐसी बेइज्जती करा आप लोग बर्दाश्त कर सकते? अगर मेयर को बोले तो आपको बोले, तमाम मुसलमानों को बोले। अरे तुमको शौक है जवाब देने का, राजा सिंह को जवाब दो। राजा सिंह तुमको बोला कोई बात तो हमारा सीना छन्नी हो जाता, हमारे को तकलीफ होती, और तुम उनको जवाब देने का यहाँ पे हमारी बेइज्जती कर रहे साहब। ऐसी तकलीफ ये अच्छी चीज है कि आप लोग बताइए, चंद वोटों के लिए आप लोग पूछते पतंग वाले ऐसी सीटा दे दे तो ले लो भाई, मेरा दिल बहुत बड़ा है। आचनपल्ली में सबको मालूम है, गोदन में सबको मालूम है, तुम लोग पूछते ऐसी दे देता था सीटा, तुम्हारे को कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आज क्या कर रहे, एक नंबर वार्ड में अक्षर छुपा लिया औरतों को, दो नंबर वार्ड में एजाज छुपा लिया, छुपा लेके औरतों को मीटिंग में आने नहीं दे रहे, ऐसे काम कर रहे, ऐसे शर्म की बात है, लाहौल वाला कुवता बोल रहा मैं, इतनी तकलीफ की बात है। अरे ये क्यों ऐसे हरकतें कर रहे आप लोग, क्यों ऐसे काम कर रहे, ये गलत है, मत कीजिए ऐसा। लोगों को अपना काउंसलर चुनने का हक है, उनको हक दीजिए, कोई जबरदस्ती मत करिए, कोई जबरदस्ती बेकार है। और मेरे को बोलते ब्लैकमेल टैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, अंधेरे में जाके तुम मोदी अमित शाह से मिलके आते, पूरे डील करते, हजार हजार करोड़ के पैकेज बात कर लेते, उधर आंध्रा में जगन से बात करते, इधर केसीआर से बात करते, उधर महाराष्ट्र में एक और से बात करते, उधर बिहार में बात करते, पूरा लूटम लाठी मचाते। हम सीधा पूछने वाले है, तुम ब्लैकमेल कर रहे, क्या कर रहे, पूरा हिंदुस्तान देख रहा। अब बात करें कि सीएए बोलते, एनआरसी बोलते, एनपीआर बोलते, वो नया सीखे, अब विज्जा चले गई, अब ये बोल के वोटा बटोर लेंगे, चले जाएंगे धान लेके बोल के शुरू करे। अरे मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आर्टिकल 370 हुआ, क्या एक बार तुम कश्मीर जाके देखे कि कश्मीर के मुसलमानों की क्या हालत हुई? एक बार कश्मीर गए क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इसके अलावा उसके बाद में आर्टिकल 370 चलेगा, ट्रिपल तलाक हुआ, ट्रिपल तलाक में क्या मुहिम थी आपकी, क्या मुहिम थी बताइए? आज सीएए एनआरसी अपना जो एनपीआर हुआ इसमें लोग रोड पे निकल गए, हैदराबाद में 15 लाख लोग आपकी खयादत में नहीं गए, लोग अपने आप से गए जाके रोडों पे डेमोन्स्ट्रेशन करे, जो कि ये चीज जो है गलत है बोल के। तो ऐसे कई चीजें, तो इन लोग कहां आवाज उठाए थे, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं। आज मेरे को बोलते ये कर रहे वो कर रहे ऐसे बात वैसे, अरे चंद वोटों के लिए आपकी इतनी बड़ी हस्ती को क्या ये बात, ये आपको जेब करता क्या ऐसी बातें करना? आप इतने बड़े लीडर है, आप हिंदुस्तान के लीडर है, मैं तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा हूँ। मैं आप आचनपल्ली वालों को, क्योंकि मेरा घर का वार्ड है ये, मेरे तमाम लोग मेरे घर के लोग है, मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ, अगर कल मेरा खतल हो गया तो इसके जिम्मेदार असदुद्दीन अवैसी है बोल के आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, समझे आप। इन लोग अपनी ताकत का मुजाहरा करके, अपने गुंडों को इस्तेमाल करके, देखो भाई वार करना है तो शकील ठहरा हुआ है सीने पे वार कर। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए हमारे HN न्यूज को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे।